ये समझाना चाह रहे हैं कि हम सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो हम कैपिटल से शुरू करते हैं ठीक है और जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो देखिए ये भी राइट से हुआ है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं कि हमारा सेंटेंस पूरा हो गया है ठीक है वी बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल लेटर कैपिटल एच बनाया है हमने एंड वी एंड इट विद अ फुल स्टॉप और यहां हमने देखिए फुल स्टॉप लगाया है ओके okay? सर द लेटर्स दैट शुड बी इन कैपिटल अब हमें यहाँ पे सेंटेंस uh, दिया हुआ है यहां पर हमें सर्कल करना है उस लेटर को जो कैपिटल में होना चाहिए पुट द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द इच सेंटेंस और हमें फुल स्टॉप लगाना है हर सेंटेंस के लास्ट में एंड पर ठीक है तो यहाँ पे वो कह रहा है ए ट्रेन एवरी मॉर्निंग तो यहाँ पे uh, कौन सा लेटर कैपिटल में होना चाहिए आई तो यहाँ हम आई को सर्किल कर देंगे क्योंकि सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है इट से स्टार्ट हो रहा है और इट का पहला लेटर uh, है आई ठीक है और फुल स्टॉप लगा देंगे इट रेंस एवरी मॉर्निंग इसका मतलब है कि uh, हर दिन हर सुबह बारिश होती है ओके नेक्स्ट सो आई प्ले विद माई कैट इन माई रूम इसलिए मैं अपनी कैट के साथ खेलता हूं अपने कमरे में तो यहाँ पे सो का एस कैपिटल हो जाएगा ठीक है और यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा ठीक है टुडे द कैट इज स्लीप ठीक है आज Uh, बिल्ली जो है वो सो रही है देख रहे हैं आप तो टुडे का टी जो है वो कैपिटल हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट हो रहा है टुडे से सेंटेंस uh, और टुडे का टी कैपिटल बनेगा और यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा ओके सो आई प्ले कैरम विद माई ग्रैंड फादर इसलिए मैं अपने ग्रैंड uh, फादर अपने दादा के साथ कैरम खेलता हूँ तो सो का एस कैपिटल हो जाएगा और ग्रैंड फादर के बाद सेंटेंस पूरा हो रहा है तो यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा फादर गोज आउट विद एन अम्ब्रेला फादर जो है पापा जो हैं वो जाते हैं अम्ब्रेला के साथ ठीक है तो फादर का जो एफ है वो कैपिटल हो जाएगा और सेंटेंस यहां कंप्लीट हो रहा है तो यहां फुल स्टॉप लग जाएगा ओके मदर स्टेज विद मी एंड टेल द स्टोरीज मदर जो है वो मेरे साथ रहती है और मुझे कहानियां सुनाती है तो मदर का एम कैपिटल हो जाएगा और स्टोरीज के बाद सेंटेंस खत्म हो रहा है आ, वो हमारा पूरा हो जाएगा सेंटेंस तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे ओके लेट्स से इट राइट से दीज वर्ड अलाउड अब हम इन वर्ड्स को जोर जोर से पढ़ेंगे ओके सी ए बी कैप कैप क्या होता है टैक्सी होती है टैक्सी को हम क्या कहते हैं कैप कहते हैं ओके नेक्स्ट नैब एन ए बी नैब नैब क्या होता है दबोचना झपट लेना ओके जैसे हम एकदम से किसी चीज को झपट लें नो दबोच लें ओके उसको हम कहते हैं नैप फिर होता है टैप टैप क्या होता है किसी चीज को खोलने या पकड़ने के लिए जो भी हम उसपे कपड़ा लगाएं या कोई मेटल लगाएं या कोई टुकड़ा लगाएं जैसे कि हम ये कहें कि हमने कोल्ड ड्रिंक की टिन जो है वो कैसे खोली बाय पुलिंग द मेटल टैब आपने देखा है उसके ऊपर मेटल का एक लगा होता है टैब की तरह ठीक है तो उसको हम कहते हैं टैब ठीक है किसी भी चीज को खोलने या पकड़ने के लिए लगाया गया कपड़ा या टुकड़ा या कोई भी धातु ओके कोई भी चीज ठीक है नेक्स्ट बैड बैड आपको पता ही क्या होता है बी ए डी बैड बुरा ठीक है डी ए डी डैड भी आपको पता है क्या होता है डी ए डी डैड मींस पापा फादर नेक्स्ट इज फैड एफ ए डी फैड फैड मीन्स फैशन देन बैग बी ए जी बैग बैग आपको पता है क्या होता है आपका स्कूल बैग आर ए जी रैग रैग एक ओल्ड क्लॉथ uh, होता है जो हम यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए ओके okay? देन टी ए जी टैग टैग मतलब होता है ले, लेबल जैसे आपकी ड्रेस पर टैग होता है कि ये इतना प्राइस की है इस कंपनी की है ओके तो उसे हम कहते हैं टैग देन बी ए एन बैन बैन मतलब होता है हम किसी चीज पर पाबंदी लगा दें रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि ये चीज बैन हो गई है जैसे टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया है ओके एम ए एन मैन मैन आपको पता है आदमी पी ए एन पैन पैन means तवा देख सकते हैं आप ये पैन है जिसमें मम्मा आपको पराठे एंड एग फ्राई करके देती हैं नेक्स्ट सी ए टी कैट कैट मीन्स बिल्ली सपने बिल्ली देखी है देन एम ए टी मैट मैट मीन्स चटाई जिस पर आप लोग फ्लोर पर बैठते हैं देन द लास्ट वन इज रैट आर ए टी रैट रैट मीन्स चूहा ये आपके सामने है ओके सो दिस यू हैव टू डू टूडे इन योर इंग्लिश prose book okay i hope i'm clear thank you so much